एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनकी CT10 सेकंड पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट के अंतर्गत सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे। सिलिकॉन को सबसे पहले श्वेजवर्ग नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। सिलिकॉन का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ये बताया गया था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन्हें हम पंच महाभूत के नाम से जानते हैं, यानी इन पंच महाभूतों से बनकर हमारा शरीर बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी एक पंच महाभूत का एक तत्व है और इसका मतलब है, पृथ्वी का मतलब क्या है? रेत या मिट्टी। और रेत या मिट्टी का मतलब है कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट उपस्थित है? सिलिकॉन उपस्थित है। सिलिकॉन हमारे शरीर के अंदर कोलेजन और इलास्टिन के निर्माण का कार्य करता है। ये हमारे टिश्यूज़ यानी ऊतकों के विकास के लिए या मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिलिकॉन बोन कार्टिलेज बनाने का, तंत्रिका तंतु या टेंडन्स बनाने का एंड जॉइंट्स के निर्माण में मदद करता है। कोलेजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में टिश्यूज को, स्किन को, बालों को और ब्लड वेसल्स को सपोर्ट प्रदान करता है, यानी मजबूती देता है। सिलिकॉन के बारे में यदि हम देखते हैं तो यदि इसके सोर्स के बारे में बात की जाए तो सबसे रिचेस्ट सोर्स इसका बैम्बू एक्सट्रैक्ट है। बैम्बू यानी बांस का जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर सिलिकॉन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ये अनाज में, सीरियल प्रोडक्ट्स में, रूट वेजिटेबल्स में यानी ज़मीन में जो सब्जियां पाई जाती हैं, कैसे, जैसे गाजर है, मूली है और क्या होता है, जिमीकंद है और अदरक है, इन सब के अंदर ये पाया जाता है। इसके अलावा मीट के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है, बियर्स में भी होता है, सी फूड यानी समुद्री फूड के अंदर पाया जाता है, जैसे सीपी है, पायला है, इन एनिमल्स को जो खाते हैं उनको भी सिलिकॉन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और राइस के अंदर और हाई फाइबर फूड के अंदर पाया जाता है। यदि हम इसके डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो डेली रिक्वायरमेंट इसकी 20 mg to 50 mg होती है, यानी पर डे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 20 to 50 mg है। इसका मतलब, इसकी मात्रा से पता चल रहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है और मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और इस एलिमेंट को प्लांट्स में भी, इस एलिमेंट की बहुत महत्वता है। मिट्टी से पानी के साथ डिजॉल्व होते हुए ये प्लांट्स ऑर्थो सिलिसिलिक एसिड की फॉर्म में सिलिका को लेते हैं और अपनी क्षमता से ये प्लांट्स उस ऑर्थो सिलिसिलिक एसिड को पॉलीमराइज्ड सिलिकॉन में बदल देते हैं। ये पॉलीमराइज्ड सिलिकॉन प्लांट्स के अंदर मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। अब सिलिकॉन के उपयोग के बारे में देखते हैं।
सिलिकॉन का उपयोग है, महत्वपूर्ण उपयोग जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है, इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन कनेक्टिंग टिश्यू, नर्व सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड कनेक्टिंग टिश्यू ऑफ ब्रेन्स, इम्प्रूव बॉडी मेमोरी एंड हेल्पिंग टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस। यानी ये कनेक्टिंग टिश्यू को मजबूती देता है, नर्व सेल्स को मजबूती देता है, स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्पफुल है, कनेक्टिंग टिश्यू ब्रेन के कनेक्टिंग टिश्यू को भी स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा इन सब से बॉडी मेमोरी बढ़ती है और मेमोरी लॉस रोकने का कार्य करता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, इट हेल्प्स स्टेबलाइज पैनक्रियाज रिलीज ऑफ इंसुलिन। ये पैनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करने के लिए स्टेबलाइज करता है, यानी एक स्टेबल रेट से पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करे, इसके कमांड में ये हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये नाखूनों को मजबूती प्रदान करता है और स्किन को ढीला होने से बचाता है और इसके प्रभाव से हेयर या बाल मजबूत होते हैं। इसके अलावा ये अल्जाइमर्स प्रोटेक्शन में मदद करता है। हम कहते हैं अल्जाइमर हो गया, अल्जाइमर नाम की बीमारी बुढ़ापे में होती है, तो वो जो बीमारी है जिसमें कि बुढ़ापे का भुलक्कड़पन हो जाता है, यानी आपने देखा होगा कि बहुत जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, आज की बात तो उन्हें याद नहीं कि सुबह कल क्या सब्जी खाई है, परंतु वो बार बार क्या उन्हें पुराने अपने जवानी की और अपने बचपन की सब बातें बार बार वो कहते रहते हैं और अभी की बात वो भूल जाते हैं। तो ये वाली जो परेशानी आती है वो सिलिकॉन की कमी से भी आती है और इसको हम क्या कहते हैं, अल्जाइमर कहते हैं। तो अल्जाइमर को रोकने में भी सिलिकॉन हेल्पफुल होता है। और सिलिकॉन जो एलिमेंटल सिलिकॉन है जो बाहर एनवायरनमेंट में है, सिलिका डस्ट की फॉर्म में होता है और वह सिलिका डस्ट जो है यदि हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती है और हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उससे कौन सी डिजीज़ हो जाती है, सिलिकोसिस नामक डिजीज़ हो जाती है। तो जहाँ की भी पत्थर के खाने वगैरह होती हैं और वहाँ पर जो श्रमिक होते हैं वो जो पत्थर तोड़ने का और घिसाई का इन सब कामों को करते हैं, ये वाली जो डिजीज़ है सिलिकोसिस वहाँ पर अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह से जो एलिमेंटल सिलिकॉन है जो एनवायरनमेंट में है वो एनिमल्स के लिए नुकसानदेह होता है। सिलिकॉन की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं या कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, तो सबसे पहला इसके अंदर लेते हैं वेट लॉस, लूज स्किन एंड वीक कनेक्टिंग टिश्यूज, मतलब चमड़ी का ढीली ढीली हो जाना और कनेक्टिंग टिश्यू का कमज़ोर हो जाना, ये सिलिकॉन की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोफोरोसिस भी सिलिकॉन की कमी के कारण होता है, स्किन में कई तरह की इम्प्योरिटीज आ जाती हैं वो भी इसी के कारण होता है, स्किन में खुजली होना, इचिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी होती है, डल स्प्लिट हेयर, बाल जो है डल हो जाते हैं, उनके बाल मुंह हो जाते हैं, जैसे कहते हैं हम के बाल मुंह वाले हो गए, दो मुंह वाले बाल हो गए, तो वो भी सिलिकॉन की कमी से होती है। इसके अलावा एथिलोस्क्लेरोसिस का मतलब है त्वचा का ढीली ढीली होना, ये भी सिलिकॉन के कारण होती है। कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, गोइटर,
ये सब डिजीज़ जो हैं सिलिकॉन की कमी के कारण होती हैं। सर्टन डर्मेटिटिस यानी बहुत सारी स्किन में अलग दाद, खाज, खुजली, ये सब बीमारियां जो है वो सिलिकॉन की कमी के कारण से होती हैं। इसके अलावा किडनी में स्टोन होना, यूरिनरी स्टोन बनना, एजिंग, उम्र ज़्यादा दिखना, ये भी सिलिकॉन की कमी से होती है। और इसके अलावा स्किन इम्प्योरिटीज़ के अंदर एक्ने एंड स्टेन ऑन बॉडी, शरीर पर जो है मस्से होना और दाद हो जाना, पिंपल्स हो जाना, ये सब जो है सिलिकॉन की कमी के कारण से होते हैं। सिलिकॉन एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट की तरह से भी कार्य करता है। तो इस तरह से सिलिकॉन बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है और सिलिकॉन का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सिलिकॉन और कार्बन दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें कि श्रृंखलन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इस कारण से इसमें पॉलीमर निर्माण की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, कार्बन में सबसे ज़्यादा है और कार्बन का भाई है ये, क्योंकि एक ही ग्रुप में है इसलिए इसमें भी पॉलीमराइजेशन की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इस कारण से जो सिलिकॉन है वो कार्बन के पैरेलल होने के कारण बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब हम मैग्नीज के बारे में बात करते हैं। मैग्नीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। मैग्नीज भी मैग्नीज की कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मात्रा हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। इसका जो सोर्स है, कहते हैं कि एवरेज डाइट में जो है ये पाया जाता है, मतलब जो हमारा औसत हम खाना खाते हैं उसके अंदर हमारी मैग्नीज की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है एवरेज डाइट में। जैसे कि साग है, पत्ते की सब्जियां हैं, दालें हैं, इन सब में मिला करके मैग्नीज कंप्लीट हो जाता है। मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है और ग्रीन वेजिटेबल्स में जो मैग्नीज है वो आपको ध्यान हो कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड के अंदर, जहाँ पर आगे हम फोटोसिस्टम में पढ़ेंगे वहाँ पर मैग्नीज की प्रेजेंस में ही वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और ऑक्सीजन निकलती है, तो उसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि हम 10 मिलीग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे पूरे बॉडी में 10 मिलीग्राम से 8-9 मिलीग्राम जो है मैग्नीज किडनी एंड लिवर टिश्यू के अंदर पाया जाता है और 20 माइक्रोग्राम तक मैग्नीज ब्लड में उपस्थित होता है। तो मुख्य रूप से ये किडनी में, लीवर में और ब्लड में उपस्थित होता है। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 4 मिलीग्राम की बताई गई है और जितना हम खा रहे हैं उसका केवल 3-4% मैग्नीज, यानी देखो आप कितनी कम मात्रा में मैग्नीज हमारी बॉडी में अवशिष्ट होता है। यानी आपने यदि 4 मिलीग्राम मैग्नीज खाने में लिया है तो उसका 3-4% यानी 0.04 मिलीग्राम यानी कुछ माइक्रोग्राम मात्रा ही इंटेस्टाइन में अवशोषित होती है, यानी बाकी जो बचा हुआ है वो एज सच रिमूव हो जाता है बॉडी से। कैल्शियम और फास्फोरस दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बॉडी में मैग्नीज के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, यानी यदि बॉडी में कैल्शियम फास्फोरस जाता है तो मैग्नीज का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यदि कैल्शियम और फास्फोरस कम मात्रा में है तो मैग्नीज का अवशोषण बढ़ जाता है। तो डाइट में इन सब का बैलेंस होना भी ज़रूरी है, यही नहीं कि हम एक चीज़ खाए जाए और दूसरा कम हो जाए। इसका मतलब है कैल्शियम फास्फोरस किस में होता है, दूध में,
और मैंगनीज किस में है? सब्जियों में। तो सब्जियों में और फल में और दूध में, सब में एक बैलेंस होना चाहिए। और हमारे खाने में हमेशा हमें क्या लेनी चाहिए? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ये मैग्नीज कई बार पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू बाइल्स में भी उपस्थित होता है। जो हमारा बाइल होता है, बाइल का मतलब पित्त, उस पित्त के अंदर भी ये मैग्नीज की मात्रा उपस्थित होती है और वहाँ से ये ब्लड में आ जाती है। ब्लड में मैग्नीज बीटा ग्लोबुलिन से बाइंड हो जाता है, यानी बीटा ग्लोबुलिन के साथ रक्त में मैग्नीज की बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग होकर ये जो है एक स्ट्रक्चर बना लेता है, यानी मैग्नीज के साथ जो है बीटा ग्लोबुलिन मिल करके और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जो ब्लड में उपस्थित हैं। कोशिकाओं के अंदर मुख्य रूप से मैग्नीज माइटोकॉन्ड्रिया में और नाभिक के अंदर उपस्थित है। यानी मुख्य रूप से जो मैग्नीज है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण एलिमेंट है और इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें नंबर वन है बहुत सारे फॉस्फेटेज एंजाइम की गतिविधियों को एक्टिवेट करता है। यानी बहुत सारे फॉस्फेटेज एंजाइम में मैग्नीज जो है वो कैटलिस्ट की तरह से काम करता है और उनकी गतिविधियों को बढ़ाता है। इसके अलावा ऑर्जिनेज कार्बोक्सिलेज एंड एसिटाइल कोलीन एस्टरेज, ये ऐसे एंजाइम हैं जो मैग्नीज की उपस्थिति में ज़्यादा तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लंबी श्रृंखला के फैटी एसिड्स के निर्माण में कार्य करता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जैसे 12, 14, 15, 50 से लेकर 50 कार्बन श्रृंखला वाले जो फैटी एसिड्स हैं उनके सिंथेसिस में मदद करता है। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कार्टिलेज की बनाने में मदद करता है, या कार्टिलेज की ऑर्गेनिक मैट्रिक्स बनाने में मदद करता है। ये लिपोट्रोफिक इफेक्ट दिखाता है। अगला है कि ये लिपोट्रोफिक इफेक्ट दिखाता है और ये फैटी एसिड को स्टिमुलेट करता है और कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस के निर्माण में मदद करता है। आप सबको पता चल है कि कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है, एक यूजफुल कोलेस्ट्रॉल और एक बेकार कोलेस्ट्रॉल। जो बेकार कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करता है, और जो यूजफुल कोलेस्ट्रॉल है वो यूजफुल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में, घुटनों में, जॉइंट्स में स्नेहक की तरह से काम करता है। तो मैग्नीज जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस में काम करता है, यानी यूजफुल कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए में जो है हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन और मैग्नीज ये दो बायो इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए, एनिमल्स बॉडी के लिए एंड प्लांट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैग्नीज जो है प्लांट्स के अंदर फोटोसिस्टम के एक स्टेप में, फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड में मैग्नीज कैटलिस्ट की तरह से काम करता है और वहाँ पर जो है ये वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करता है। तो इस तरह से मैग्नीज और मैग्नीज के कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स में बहुत ही उपयोगी हैं। और सिलिकॉन के बारे में भी हमने देखा कि वो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरह से बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट्स की श्रृंखला में ये बल्क एंड ट्रेस एलिमेंट 8 जो टॉपिक चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद।